फ्रेंड्स, ऑल स्मार्ट सपोर्ट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में विधवा पेंशन के लिए बात करेंगे, दिल्ली और नई दिल्ली के लिए। फ्रेंड्स, अब तक हर राज्यों की आपको मिलती है, लेकिन कमेंट आ रही है मेरे पास विकलांग पेंशन विधवा पेंशन के लिए वीडियोज बनाए। फ्रेंड्स, तो विकलांग पेंशन में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, सेम विकलांग की तरह ही विधवा पेंशन है दिल्ली में, फिर भी कमेंट आई है मेरे पास। चलिए मैं वीडियो में बता देता हूँ। फिर भी देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी गुजारिश से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में फ्रेंड्स गूगल ओपन कर लें, या फिर आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज करते हैं वो ओपन कर लें फ्रेंड्स। तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। देखिए, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली आपको लिख के टाइप करना है। देखिए, सिंपली टाइप करना है आपको हैंडीकैप पेंशन दिल्ली, ठीक है। ये लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए वेबसाइट्स आ जाएंगी आपके सामने बहुत सारी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा, देखिए बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, लेकिन उन पर क्लिक करके आप फॉर्म भर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको पेंशन नहीं मिल पाती है। तो मैं आज पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे लीगली आप फॉर्म भरेंगे, कहाँ से कौन सी वैलिड वेबसाइट है, कौन सी फेक है फ्रेंड्स, उससे बचने के लिए फ्रेंड्स मैं ऐसा तरीका बताऊंगा। आप सिंपली डायरेक्ट फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं करना। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं तुरंत बताता हूँ आपको, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। पहले मैं फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भरने के बाद बताऊंगा करना क्या है, कैसे आपको पेंशन मिल पाएगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर लिंक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सोशल वेलफेयर डेली gov.nic.in, और दूसरा है फ्रेंड्स दिल्ली विकलांग पेंशन फॉर्म PDF, ठीक है। तीसरा देखिए readmaster.com, और इसके अलावा फ्रेंड्स और नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है online.ndmc.gov.in। फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें परेशान ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ओल्ड एज विडो एंड हैंडीकैप, तीनों के लिए एक ही है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलिए मैं वीडियो में बता देता हूँ विधवा पेंशन कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, यह फॉर्म ओपन हो किया जाएगा डायरेक्ट आपके सामने। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पर आ गए हम, डायरेक्ट फॉर्म हमारे सामने ओपन हो के आ गया। अब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखिए ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पेंशन टाइप। तो देखिए यहाँ पर तीन हो जाते हैं, ओल्ड एज, विडो, हैंडीकैप्ड पेंशन। तो फ्रेंड्स, हैंडीकैप्ड के लिए बता चुका हूँ, विडो पेंशन पे क्लिक करेंगे। देखिए सिंपल है, एक ही फॉर्म आपको फिल करना है। डेली में अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है। यहाँ पर नाम डालेंगे, देखिए यहाँ नाम डालेंगे आप अपना, और यहाँ पर देखिए मैरिटियल स्पेसस, देखिए डिवोर्स हैं, विडो हैं, विडोवर हैं, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर है, हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ यूज करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। प्रेजेंट रहने, देखिए यहाँ स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब होता है फ्रेंड्स ये फील्ड आपको भरना ज़रूरी है, ये नहीं भरेंगे तो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर सिटी, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर फ्रेंड्स, ईमेल आईडी, देखिए स्टार नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल मैरिटल कंडीशन, मतलब जो आपकी कंडीशन है वो आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन बताएंगे, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, सर्विस करते हैं, बिजनेस या अदर, तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या करते हैं क्या नहीं। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ देना है, करेंट बैलेंस इन बैंक में, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए पेंशन इफ एनी, इन सबको छोड़ दें फ्रेंड्स, कुछ नहीं बनना है इनमें। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नेम, एज किसका देना है, एप्लीकेंट रिलेशनशिप विद आर फैमिली मेंबर का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल्स अपलोड करनी है, यहाँ पर अपनी एज प्रूफ डालना है। एज प्रूफ में फ्रेंड्स आधार कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, वोटर कार्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंस एड्रेस डालना है, मतलब जो मूल निवास होता है वो डालना है। उसका फोटो क्लिक करके इनके फ्रेंड्स अपलोड करने हैं। उसके बाद अपना एक फ़ोटो JPG ओनली, मतलब मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपलोड सिग्नेचर अपलोड करने, मतलब एक पेपर पर साइन कर लें, साइन करने के बाद उसका फ़ोटो क्लिक कर लें, उस पर अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ पर अंडरटेकिंग ऑफ एप्लीकेंट अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन MP MLA PDF फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपके प्रधान या चेयरमैन जो भी हैं फ्रेंड्स उनसे लेटर पैड लिखवा के लाना है, इसके लिए कि आपका जो भी विडो पेंशन के लिए अप्लाई कर रही हैं आप, जिसके लिए भी अप्लाई किया जा रहा है, तो वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इस डेट में हो गई है, जो भी है, एक तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आना है, और फ्रेंड्स यहाँ पर वो उसका फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है। उसके बाद ये कैप्चा फ्रेंड्स फिल करना है, और यहाँ पर फिल करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद फ्रेंड्स देखिए जो जो आपने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट ले जाकर और इस फॉर्म का आपको कॉपी मिल जाएगी, तो उस फॉर्म की कॉपी को ले जाकर आपको इसी ऑफिस में, देखिए
इसी ऑफिस में अपने हर एरिया का अलग अलग ऑफिस है फ्रेंड्स, इस ऑफिस में जाके जमा करें। जमा करने के फ्रेंड्स 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई है। मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।